हेडलाइट ऐसी नहीं आती, पूरी की पूरी हेडलाइट चेंज है। इसमें हमने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि OEM गाड़ी के साथ ही आया था, क्रिस्टल लिखा हुआ दिख जाता है। प्लस हेडलाइट गार्निश करी है, फ्रंट की तरफ से ग्रिल भी हमारी चेंज है जो टॉप मॉडल में आती है। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल में मिरर जो होते हैं मोटराइज नहीं आते, इसको हमने मोटराइज मिरर करा, चाबी दबा दी। बहुत प्यारी फिनिशिंग आ रही है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो डोर पैनल प्रॉपरली हमने लेदर चढ़ाया। नेक्स्ट चीज की बात करना चाहूंगा, ब्लैक पियानो फिनिश में हाइड्रो डिपिंग प्लस को ड्राइवर साइड में भी करा। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं ना भाई, इसकी जो फिनिशिंग है ना बहुत अमेजिंग है। प्लस ये को ड्राइवर के डोर पैनल का हमारा, गाड़ी फुल्ली हमारी डैम्पो रखी है, CTK की डैम्पिंग करी है, प्लस DD के हमने इसमें कंपोनेंट लगाया फ्रंट में, प्लस वाटर गार्ड लगाया। जस्ट बिकॉज जो नेट होता है हमारे डोर पैनल का, अगर नेट बताऊं मैं तो ये होता है हमारा नेट, जैसे कि आप देख पा रहे होगे इस नेट से प्रॉपरली आवाज है। प्लस जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं जैसे ही दरवाजा खोल रहा हूँ, हमारा जो फुट रेस्ट है प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा टिल नाउ कि वो लैग कर रहा है। एक बार वापस से दिखाऊं आपको, अब देखना बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट चीज की बात करो तो ये हमारा आर्म रेस्ट, प्लस ये जितनी भी सीटें आप देख रहे हो सारी कस्टम डिजाइन में हमारी सीटें। प्लस ऊपर की बात करना चाहूंगा, ये एम्बिएंट लाइट बेस मॉडल में नहीं आती, इसमें प्रॉपरली हमने एम्बिएंट लुक दिया, पीछे से भी आपको दिखाऊंगा। प्लस लाइट इतनी सारी नहीं आती, इसमें हमने लाइट का भी लुक दिया। नीचे की तरफ जैसे कि आप देख पा रहे थे शेडो लाइट होती है। कोई सा भी हम डोर खोलेंगे, जैसे ये वाला भी खोलता अगर मैं तो ये बाहर आ जाएगा और बंद कर देंगे, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इसका बहुत बेनिफिट होता है जब हम किसी भी कंजेस्टेड एरिया में चलते हैं तो हमारा कभी कभी फुट रेस्ट बीच में अट जाता है, बट ये एकदम ऐसे ही रहता है गाड़ी के अंदर, तो अभी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आगे के टाइम में। पीछे की तरफ चलते हैं तो हमारी यहाँ पे टेल लाइट पूरी आफ्टर मार्केट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए कार रिव्यू में, हमारे साथ है विक्रांत जी। विक्रांत जी आज आपको पहली बार लोग देख रहे हैं, हेलो कर दीजिए पहले तो। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? विक्रांत जी आज हम क्या तबाही मचाने वाले हैं? आज हम आपको इनोवा क्रिस्टा दिखा रहे हैं जिसमें ओवरऑल हमने सारी एक्सेसरीज लगाई है, और वो जितनी एक्सेसरीज इनोवा क्रिस्टा की आई है हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। ये बेस मॉडल हमारी इनोवा क्रिस्टा, ये GX मॉडल है, हमने इसको ZX में कन्वर्ट करा है। सो गाइस सब कुछ आगे आपको दिखाऊंगा, करते हैं वीडियो स्टार्ट। मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो यहाँ पे हमारी इनोवा क्रिस्टा बेस मॉडल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। स्टार्ट करना चाहूंगा फ्रंट की तरफ से, स्टार्ट करने से पहले आपको डोर पैनल की बात करना चाहूंगा। तो ये कुछ हमारे डोर पैनल है, इसमें जो स्टिचिंग दी है मैरून कलर का कपड़ा है, बट जो स्टिचिंग है वो बेज कलर में एकदम निखर के आ रही है। प्लस हमने इसको पियानो ब्लैक करा है। प्रॉपरली तीनों गत्ते हमारे अनपैक, अभी पैक नहीं हुए। मीनवाइल यहाँ पे हमारे बंपर की PPF हो रही है, पूरी गाड़ी ऑलमोस्ट हमारी PPF डन है। फ्रंट की तरफ से बात करते हैं हेडलाइट की, ये बेसिकली G मॉडल है, अब इसको हमने कन्वर्ट किया Z मॉडल में। हेडलाइट ऐसी नहीं आती, पूरी की पूरी हेडलाइट चेंज है। इसमें हमने लो बीम में HID लगाई है, हाई बीम में हमने LED लगाई, नीचे फॉग लैंप भी हमारे टॉप मॉडल वाले इसमें हमने LED लगाई है। फ्रंट की तरफ से बात करना चाहूंगा, ABS का हमने फ्रंट गार्ड लगाया, इस गाड़ी के मैचिंग पेंट में हमने इसे पेंट कर दिया, जस्ट बिकॉज ब्लैक थोड़ा सा ऑड लगता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि OEM गाड़ी के साथ ही आया था, क्रिस्टल लिखा हुआ दिख जाता है। प्लस हेडलाइट गार्निश करी है, फ्रंट की तरफ से ग्रिल भी हमारी चेंज है जो टॉप मॉडल में आती है। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल में मिरर जो होते हैं मोटराइज नहीं आते, इसको हमने मोटराइज मिरर करा, चाबी दबाती फोल्ड हो जाएगी और चाबी दबाती अनफोल्ड हो जाएगी। प्लस लोअर विंडो गार्निश करी है, डोर वाइजर विद क्रोम इंसर्ट लगाया, ऊपर की तरफ रूफ रेल लगाई है हमने। नीचे की तरफ बात करना चाहूंगा, क्रोम साइड बिटिंग लगाई है, प्लस एक जादू वाली चीज लगाई है, फुटरेस्ट लगाया जो कि ऑटोमेटिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो जैसे मैं दरवाजा बंद किया ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगा। कोई सा भी हम डोर खोलेंगे, जैसे ये वाला भी खोलता अगर मैं तो ये बाहर आ जाएगा और बंद कर देंगे, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इसका बहुत बेनिफिट होता है जब हम किसी भी कंजेस्टेड एरिया में चलते तो हमारा कभी कभी फुटरेस्ट बीच में अट जाता है, बट ये एकदम ऐसे ही रहता है गाड़ी के अंदर, तो अभी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आगे के टाइम में। पीछे की तरफ चलते हैं तो हमारी यहाँ पे टेल लाइट पूरी आफ्टर मार्केट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये जो हमारी टेल लाइट है पूरी मैट्रिक्स स्टाइल वाली है, एक बार आपको जला के भी दिखा दूं। यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स स्टाइल इंडिकेटर ऑन हो चुके हैं। नीचे की तरफ बात करना चाहूंगा, रियर बुलगार्ड लगा है जो कि काफी हद तक हमको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में प्रोटेक्शन देता है। प्लस यहाँ पे हमने बम्पर फुटलेट लगाया, इसका क्या फायदा होता है, जब हम कोई भी सामान रखते हैं, हम कोई भी गाड़ी में लगेज वगैरह रखते हैं तो हमारे बम्पर में स्क्रैच पड़ता है, बट इसकी वजह से हमारे बम्पर में स्क्रैच नहीं पड़ेगा। अब करते हैं अंदर की तरफ से स्टार्ट, अंदर क्या क्या गाड़ी में काम हुआ अभी स्टार्ट करते हैं अपने ड्राइवर साइड से। तो ड्राइवर साइड खोलते हैं भाई, बहुत प्यारी फिनिशिंग आ रही है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो डोर पैनल प्रॉपरली हमने लेदर चढ़ाया। नेक्स्ट चीज की बात करना चाहूंगा, यहाँ पे मैट में हाइड्रो डिपिंग है अपनी, जैसे कि आप देख पा रहे हो फिट एंड फिनिश सब कुछ आपके सामने। सीट कवर की बात करना चाहूंगा तो मैरून कलर में सीट कवर है अपने, प्लस इसमें हमने बेज की स्टिचिंग दी है। सिंपल सुपर सोफिस्टिकेट हमारे सीट कवर है, बाकी फिनिशिंग वगैरह आपके सामने सब कुछ। हमारा जो हैंडसेट स्टीयरिंग है इसमें हमने ड्यूल टोन लुक दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैट वुडन प्लस मैरून कलर। यहाँ पे भी हमने प्रॉपरली पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी है,
प्लस स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो में हमने ब्लॉक पंखा लगाया 10.1 इंची का, की लार्गो का लगाया। नेक्स्ट इसकी बात करना चाहूंगा, ये देख पा रहे हो ब्लैक यहाँ पे भी हमने डैशबोर्ड पे किया है, ब्लैक पियानो फिनिश में हाइड्रो डिपिंग प्लस को ड्राइवर साइड में भी करा। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं ना भाई, इसकी जो फिनिशिंग है ना बहुत अमेजिंग है। प्लस ये को ड्राइवर के डोर पैनल का हमारा, गाड़ी फुल्ली हमारी डैम्पो रखी है, सीटीके की डैम्पिंग करी है, प्लस डीडी के हमने इसमें कंपोनेंट लगाया फ्रंट में, प्लस वाटर गार्ड लगाया जस्ट बिकॉज जो नेट होता है हमारे डोर पैनल का, अगर नेट बताऊं मैं तो ये होता है हमारा नेट, जैसे कि आप देख पा रहे होगे इस नेट से प्रॉपरली आवाज है। प्लस जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं जैसे ही दरवाजा खोल रहा हूँ हमारा जो फुट रेस्ट है प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा टिल नाउ कि वो लैग कर रहा है। एक बार वापस से दिखाऊं आपको, अब देखना बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट चीज की बात करो तो ये हमारा आर्म रेस्ट, प्लस ये जितनी भी सीटें आप देख रहे हो सारी कस्टम डिजाइन में हमारी सीटें, प्लस ऊपर की बात करना चाहूंगा ये एम्बिएंट लाइट बेस मॉडल में नहीं आती, इसमें प्रॉपरली हमने एम्बिएंट लुक दिया, पीछे से भी आपको दिखाऊंगा। प्लस लाइट इतनी सारी नहीं आती, इसमें हमने लाइट का भी लुक दिया जैसा कि आप देख पा रहे हो, इवन अगर मैं आपको यहाँ की लाइट दिखाऊं ये चेक करना। नेक्स्ट इसकी बात करना चाहूंगा, नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो 70 मैटिंग लगी है, कस्टम 70 मैटिंग होती है पूरी की पूरी, फिटिंग आपके सामने सब कुछ जैसा कि आप नोटिस भी कर पा रहे हो नीचे की तरफ प्रॉपरली फिटिंग के साथ आती है। अब चलते हैं रियर डोर की तरफ, तो डोर खोलते ही जैसा कि आप देख पा रहे हमारा नीचे की तरफ फुट रेस्ट, वेलकम प्लेट अपनी या फिर स्कफ प्लेट ये प्रॉपर एबीएस में, हमारे डीडी के पीछे भी कंपोनेंट लगे हैं विद वाटर गार्ड प्लस डैम्पिंग। मैंने जैसा बताया था आपको चारों गत्तों में हमारी प्रॉपरली डन हो चुकी है, प्लस ये कर्टन अभी आपको काफी अनफिक्स लग रहे होंगे जस्ट बिकॉज हमारा गत्ता या फिर डोर पैन प्रॉपरली फिक्स नहीं हुआ है। नीचे की तरफ बात करना चाहूंगा, 70 मैटिंग देखो भाई क्या लुक दे रही है, प्रॉपरली इसके नीचे वेलक्रो लगा होता है, कहीं भी कोई चीज जैसे कि आप नोटिस भी कर पा रहे हो ये वेलक्रो एकदम डबल साइड टेप की तरह ही होता है, जो भाई मेरे समझ चुके वेलक्रो क्या होता है। सीट की बात करना चाहूंगा, ये हमारी जो गाड़ी इनोवा क्रिस्टा 8 सीटर है पूरी। आर्मरेस्ट की बात करना चाहूंगा तो फिट एंड फिनिश सब कुछ आपके सामने है, पीछे की तरफ भी एक बार आपको लुक दिखाऊं, तो ये फिटिंग चेक करो, फिट एंड फिनिश सब कुछ आपके सामने है। अब जैसी अपनी पूरी गाड़ी डन होती है पैक होती है तब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो पीछे का रियर डोर में हमारी पीपीएफ लगाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारी इनोवा क्रिस्टा में जो चीज रह गई थी आपको दिखाना वो था ऑटो फोल्डिंग मिरर, जैसा कि आप देख पा रहे हो अंदर की तरफ से पूरे हमारे चारों गत्ते पैक हो चुके हैं, फुटरेस्ट नीचे हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, चेक करो भाई कितना प्यारा इंटीरियर लग रहा है। प्लस आपको एम्बिएंट लाइट की बात करना चाहूंगा तो ये देखो भाई, पीछे से आपको प्रॉपरली जस्टिस होते हुए दिख जाएगी लाइट, ZX मॉडल आता है सेम टू सेम हमने उसी में कन्वर्ट किया इसको। ये हमारा हाइड्रो डिपिंग हो रही है ब्लैक पैनल फिनिश में, ये जो हो रखा है मैट वुडन में हो रखा है, इसमें जो चढ़ाया गया कपड़ा चढ़ाया गया प्लस स्टिचिंग करी गई डबल स्टिचिंग प्लस इसमें थोड़े से डिजाइन दिए गए। नीचे की तरफ जैसे कि आप देख पा रहे थे शेडो लाइट होती है, इनोवा क्रिस्टा आपको लिखा हुआ दिख जा रहा है। प्लस मैं अगर इसकी बात करना चाहूंगा खड़े होके तो ये चेक करो भाई, सॉलिड अपनी फुट रेस्ट है। नीचे की तरफ नेक्स्ट चीज की बात करना चाहूंगा, एबीएस का हमने स्कफ प्लेट लगाई है, हैंड से स्टीयरिंग जो किया डबल टोन में किया है, एक इसमें मैट वाला स्टाइल और ये पूरा अपना स्टिचिंग वगैरह सब कुछ आप देख पा रहे हो, फिट एंड फिनिश सब कुछ आपके सामने है। ये हमारा आर्म रेस्ट, ये हमारी को ड्राइवर की सीट, साइड की तरफ आप देख पा रहे हो ये हमारे पूरे के पूरे कर्टन लगे, इसको अपने यहां से हटाना है और इसको कर देना ऐसे। सारे का अपना जाऊंगा था शॉप रहने वाली कार है, पीछे वाला भी सेम अपना एज इट इज ही है, जैसे आपने ये खोलना है वेलक्रो जो होता है और ऐसे करके आप पूरा का पूरे से छुपा सकते हो, पीछे वाला जो है पूरा कवर करता है, फ्रंट वाला जो है अपना इतना ही कवर करता है जस्ट बिकॉज जब हमें साइड वाले शीशे यूज कर रहे हैं उसके विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो। पूरी गाड़ी हमारी पीपीएफ हो रखी है, पीपीएफ का फायदा क्या होता है, जितने भी डे टू डे बम्पर में स्क्रैच लगते हैं या फिर कोई चाबी से ऐसे कुछ करके चला गया जो जनरली लोग कर जाते हैं तो उससे हमारी बॉडी को कुछ नहीं होगा और गाड़ी की लाइफ भी बढ़ा जाती है। पीछे की तरफ टेल लाइट की बात करना चाहूंगा तो ये कुछ लुक है टेल लाइट की, नीचे हमने रिफ्लेक्टर भी लगाया, पीछे बम्पर गार्ड भी लगाया जैसे कि आप देख पा रहे हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काफी काम आता है। प्लेक्सिस की बात करना चाहूंगा, गाड़ी में फिल्मिंग हो रखी है, 3M की फिल्म यूज करी है जो कि हीट प्रोटेक्शन फिल्म होती है। फ्रंट की तरफ से बताना चाहूंगा, फ्रंट पे हमने ZX वाली लाइट लगाई है जो कि टॉप मॉडल की लाइट आती है, यहाँ पे हमको DRL देखने को मिल जाती है। ये जो प्रोजेक्टर है लो बीम का, इसमें हमने HID लगाई है, हाई बीम में हमने LED लगाई है। नीचे की तरफ बात करना चाहूंगा, नीचे हमने फॉग लैंप में LED लगाई है, प्लस फ्रंट में हमने ABS गार्ड लगाया, ये ब्लैक में आता है, इसको हमने बॉडी पेंट में ही पेंट करवा दिया था जैसे कि आप देख पा रहे हो क्रिस्टा लिखा हुआ, बहुत एनहांसिंग लगता है। प्लस ग्रिल भी जो हमने थी वो बेस मॉडल की थी, इसको भी हमने चेंज किया। हेडलाइट में हमने क्रोम गार्निश करी है,
बहुत प्यारी और एलिगेंट लग रही है हमारी गाड़ी। सो गाइस जैसा कि आपने देखा होगा फाइनली हमारी इनोवा क्रिस्टा रेडी हो चुकी है। विक्रांत जब कॉस्टिंग की बात आती है पहली ओवरऑल कॉस्टिंग क्या लगी? ओवरऑल इस गाड़ी की कॉस्टिंग 2.5 लाख होनी चाहिए। 2.5 लाख अराउंड लग चुके हैं जैसा कि आपने सारा काम देखा होगा। प्लस फुटरेस की बात करना चाहिए, मोटराइज फुटरेस की क्या कॉस्टिंग है? जी मोटराइज फुटरेस की कॉस्टिंग 55,000 की। 55,000 इसकी वारंटी क्या मिलती है? 1 ईयर वारंटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ से पीपीएफ हुई है वो कितने की हुई है इसमें? पीपीएफ स्टार्टिंग रेंज हमारे पास जो है हैचबैक्स की होती है 40,000 से स्टार्टिंग, सेडान पे आ जाए तो 45 और एसयूवी भी आ जाए तो 55,000 की स्टार्टिंग रेंज। ठीक है, तो हैचबैक की जो होती है 40 से, सेडान होगी 45 और अपनी एसयूवी होगी तो अभी 55। सो गाइस कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ हमने बता दी, ओवरऑल कॉस्टिंग हमने पूरी ब्रीफ कर दी, प्लस सारा का आपने देखा होगा कैसा हुआ है। प्लस अगर ए टू जेड की आपको कॉस्टिंग जाननी है तो आप डायरेक्ट कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इनसे क्लियर कर सकते हो। विक्रांत जी किसी को इतना प्यारा प्यारा काम कराना है, इनोवा क्रिस्टा मेरी सभी गाड़ी में कैसा सिंपल बैठे बताओ। आप यहाँ पर आ सकते हैं शोवेयर में, हमारा फेस टू में नियर प्रेसिडियम स्कूल, हमारा शोवेयर फेस टू में नियर प्रेसिडियम स्कूल। सो गाइस ज्यादा कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल लिंक दे दूंगा, कहीं से भी आ रहे हो डायरेक्ट शॉप पे पहुंचोगे। विक्रांत जी को फोन नंबर ही बता दीजिए, नंबर है 9810525770। विक्रांत जी का नंबर यहाँ पॉपअप कर दूंगा, इवन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, कोई से भी गाड़ी का कोई सा भी डाउट एक्स वाई जेड आप डायरेक्ट कॉल या फिर व्हाट्सएप करके क्लियर कर सकते हो। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें बिना मत जाना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो यहाँ तक नहीं देखी सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं करो दोस्त फैमिली तक फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। ऐसी इनोवा क्रिस्टा पहली बार देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको इनोवा क्रिस्टा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा मैं करना अभी बोलूंगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्रांजी बाय।